नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हरिनारायण कुमार। आप देख रहे हैं BST ऑल टिप्स। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उद्यमी योजना का स्टेटस चेक कैसे किया जाता है, आवेदन का स्थिति कैसे जानेंगे या पासवर्ड चेंज कैसे करेंगे। फ्रेंड, एक आपका कमेंट आया है, आवेदन को कैसे जानेंगे कि अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है या रिजेक्ट हो गया है। तो देखिए, हमने इसी वीडियो में आगे आवेदन की स्थिति जानेंगे, उद्यमी योजना का स्टेटस चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको उद्यमी बिहार .gov.in पे क्लिक करना है। क्रोम ब्राउज़र या कोई ब्राउज़र है, ब्राउज़र ओपन कर लें। इसके बाद मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, देखिए यहाँ लॉगिन है, लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, लॉगिन हो जाना है। तो सब जब तक आप लॉगिन नहीं हुईएगा तब तक आप स्टेटस चेक नहीं कर सकते हैं। बहुत सिक्योर कर दिया गया है, बहुत ही सुरक्षित कर दिया गया है। यहाँ पर आप लॉगिन हो जाइए। मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर और पासवर्ड से लॉगिन हो जाना है। मैंने यहाँ पे अपना आधार कार्ड और यहाँ पर पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद हम लॉगिन हो जाएंगे, लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। आधार कार्ड और पासवर्ड आपके पास जिस समय आप आवेदन किए हुएगा उस समय आपका पासवर्ड होगा, या पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं। कैसे फॉरगेट करना है इसी वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे। अगर पासवर्ड आप भूल गए हुईएगा तो पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर कुछ एडिट करना हो तो मैं यहाँ प्रयास करना चाह रहा हूँ एडिट करने का, तो एडिट नहीं आप कर सकते हैं, यहाँ पर एडिट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एडिट नहीं हो रहा है, यानी एक बार आप आवेदन कर लीजिएगा तो उसमें दोबारा चेंज आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमने आवेदन में चेंज करने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो आप सेटिंग के ऑप्शन है, सेटिंग के आइकन होगा उस, या मोबाइल में आप देखते होते हैं, देख रहे हैं तो लैपटॉप साइड में पे कन्वर्ट कर लेना है। लैपटॉप साइड में कन्वर्ट कीजिएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा। और इसके बाद देख सकते हैं कि एक आ गया कि पासवर्ड चेंज का, पासवर्ड आप बदल सकते हैं। सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में ज्यों ही जाइएगा तो व्यक्तिगत जानकारी में आप जाते हैं। व्यक्तिगत जानकारी में यहाँ पर जो व्यक्तिगत जानकारी होगा यहाँ से हम एडिट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक देख रहे हैं कि व्यक्तिगत जानकारी है, रिपोर्ट है, सेटिंग है। ठीक है, तो तीन गो चीज़ है। तो व्यक्तिगत जानकारी में आपका जो नाम पता जो होगा वो आपका व्यक्तिगत जानकारी में रहता है। इसके बाद जो स्टेटस आपको चेक करना है वो स्टेटस चेक करने के लिए आपका इनका जो है रिपोर्ट में जाना पड़ता है। ठीक है, रिपोर्ट में जाएंगे और सेटिंग, देखिए तीन गो बात, व्यक्तिगत जानकारी में व्यक्तिगत जानकारी हो गया तो व्यक्ति, और रिपोर्ट में आपका रिपोर्ट में ही आप स्टेटस को चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपका है सेटिंग, सेटिंग में पासवर्ड चेंज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम ज्यों ही रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा योर एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेस लिख के आ रहा है। ठीक है, तो मैं रिकॉल कर लेता हूँ एक बार, पहले लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद यहाँ सेटिंग का आइकन है, सेटिंग के आइकन पर क्लिक कीजिएगा तो व्यक्तिगत जानकारी रिपोर्ट और सेटिंग आएगा, तो रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है। रिपोर्ट पर जो ही क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर लिख देगा जहाँ पे आपका फॉर्म होगा वहाँ पे आपका शो हो जाएगा। ठीक है, अगर सेटिंग में अगर पासवर्ड आप भूल गए हुईएगा तो सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद जो है पुराना पासवर्ड डालिएगा और न्यू पासवर्ड आप जनरेट कर सकते हैं। रिपोर्ट में जाएंगे तो योर एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस यहाँ पर लिख रहा है, आपका हो सके कोई दूसरा लिखेगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और साथ ही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप किस ज़िले से हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं फलाने ज़िले से हूँ और कितने तारीख को आप आवेदन किए हैं या आप कब आवेदन करने वाले हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आप जिस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें, उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करा दूँगा। आपको कोई भी समस्या होगा तो मैं तुरंत आपका रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए रहिएगा तो ये रेड बटन रहेगा, आप इसको सब्सक्राइब कर देंगे। इसके बाद ये बेल आइकन आएगा, इसको क्लिक कर देना है और ऑल ऑल कर देना।